21वीं सदी के ग्रामीण अंचलों में आज भी रूढ़िवादी परंपरा या फिर बदलने की भावना जैसी वजहों का इस्तेमाल बहिष्कार करने के लिए किया जा रहा है। जिला मुख्यालय राजनांदगांव से 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पूरपाल में 11 परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। प्रमुख बात यह है कि परिवार में सरपंच और पंच का परिवार भी शामिल है। इन परिवारों को 7 लाख रुपया का दंड लगाया गया है और पशुओं को घास चराने की भी मनाही का फरमान सुनाया गया है। मामले की शिकायत जिला कलेक्टर चंद्र प्रकाश मौर्य और स्थानीय प्रशासन से की गई है। अब तक कार्यवाही का ना किया जाना प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इस पूरे मामले की शुरुआत राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत मुड़पार में 24 फरवरी को हुए उप सरपंच चुनाव के दौरान हुई। चुनाव में ग्राम प्रमुख और ग्रामवासियों की मर्जी के खिलाफ इंदिरा चौधरी ने चुनाव लड़ा था। इंदिरा चौधरी का साथ देने वाले ग्राम के सरपंच और कुछ पंचों सहित अन्य परिवारों को ग्राम प्रमुख और ग्रामवासियों ने एक मत होकर बहिष्कार करने का एक तरफा फैसला सुना दिया। वार्ड पंच एक में इंदिरा भाई उप सरपंच में फार्म भर रहे हैं, वहाँ से हार गए, वहाँ से मैं गाँव से छोड़ दी, खेत खार सब जाना जाना बंद। कितने से दंड करे? 1.5 लाख। का बोल थे? गाँव से वही छोड़ देगी, हारे से देगा से मतलब। अच्छा, 1.5 लाख देवे तो मिलावो कथे? हाँ, 1.5 लाख देवे तो मिलावो कथे। अब आपको लेकर मन ले बातचीत करते? लेकर मन से तक बातचीत बंद है, दुकान पानी सब बंद, खेती किसानी इसानी सब बंद। बहिष्कृत परिवारों को 2.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का दंड लगाया गया है। दंड की राशि जमा करने पर ही इन्हें गांव में फिर से सम्मिलित किया जा सकेगा। बहिष्कृत परिवारों ने ग्राम प्रमुख और ग्रामवासियों के सामने गुहार लगाई, जिसकी सुनवाई से भी इनकार कर दिया गया। का चुनाव हुआ, उसमें दो पक्षों ने चुनाव लड़ा, डॉक्टर मनमोहन यदु और इंदिरा बाई चौधरी ने। तो हम लोग ने इंदिरा बाई चौधरी को 14 परिवार मिलकर सहयोग दिए, जिसमें इंदिरा बाई चुनाव हारी तो गांव वालों ने हारे हुए प्रत्याशी को सहयोग किए, 14 परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिए और गांव में बुनियादी कराए कि इनके यहां के पशु बाल बच्चे दुकानदारी बातचीत सब चीज़ बंद रहेगा करके। इस मुद्दे को लेकर हमने प्रशासन, जिला कलेक्टर राजनांदगांव, अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़, थाना प्रभारी डोंगरगढ़ को ज्ञापन सौंपकर अपील किए कि गांव में हमको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है करके। 27/4 को शिकायत किए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया। इन परिवारों के लिए दैनिक जीवन यापन में परेशानियां खड़ी हो गई हैं। सभी 11 परिवारों का गांव के लोगों से बातचीत, लेन देन और खेतों में काम काज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बताइए कि काबर छोड़े गाँव वाले में? तो मैं वार्ड नंबर 3 के पंच लताबाई कंवर, उप सरपंच दर फार्म भरे रहे हूँ मैं, हर और 3 झोक मतलब फार्म ले रही थी तो मैं हर वापस ले गया। ओखर लिए मोला 1.5 लाख रुपया जुर्माना। तो लड़का मन से बातचीत चाहती है? हाँ, लड़का मन से जो भी है, शादी है, छठी है, जो भी का जैसे भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ बिल्कुल मना है और गांव से ना बिल्कुल बहिष्कृत करें। हाँ, ये बताओ गांव में बहिष्कृत क्यों किए गए? ये 24 फरवरी उपचुनाव था उप सरपंच का, उस दिन ये लोग 2-3 पक्ष खड़ा हुए थे, इसमें 3 कैंडिडेट थे और उसमें से एक कैंडिडेट वापस ले लिया, 2 कैंडिडेट के बीच लड़ाई हुआ, उसमें इंदिरा भाई कुर्मी और डॉक्टर मनमोहन यादव के बीच में। तो छोड़ दी इस गांव वाले के जन छोड़े के परिवार ला? चुनाव पश्चात छोड़ा गया है। कितना परिवार ला? 11 परिवार को छोड़ा गया था। अच्छा, उसमें से 10 परिवार अभी हैं, 3 परिवार को सम्मिलित। आप लगातार फाइन करे? मोला मैं तो नहीं रहूं उपस्थित। हाँ। लेकिन 51,000 मोर पत्नी रही से। हाँ। इला 2,75,000 बहुत हाथ पांव जोड़े हैं। अच्छा, 2,75,000 करे। शिकायत करे हुए कर? शिकायत कर चुके हूँ। कहाँ कहाँ? कलेक्टर के पास, SDM के पास और थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के पास। अच्छा, बता जी ये काबर छोड़े गाँव वाले मन? मैं सभी लाल खड़से जी, ग्राम पंचायत के पंच वार्ड नंबर 8 का और उप सरपंच चुनाव के बारे में चुनाव हो उस बारे में हम एक प्रत्याशी का सहयोग करें और कारण से हमारा गांव से बहिष्कृत करी और 77,000 दंड लेवे तब गाँव से हम बिक्रबे किस मोला
और नहीं देगा तो गांव से बहिष्कृत रहेगा, ऐसे करके पूरा खेत खास गाय गरु सब लगन कर दिए। वहाँ का जो ग्राम सरपंच है वो आगे एक शिकायत किया है, एसडीएम साहब के पास भी हमारे पास ने भी शिकायत किया है कि उनको चुनाव के बाद से उनको गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है, कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, मौके पे जाके दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद जो विषय हल निकलेगा एसडीएम साहब के साथ जाकर उसको देखेंगे, उसके बाद में उनको उनकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। बहिष्कार का दंश झेल रहे इंदिरा चौधरी, ईश्वर ठाकरे, हेमलाल चौधरी, महेश चौधरी, ज्ञानचंद साहू, हीरा चौधरी, आशाराम कंवर, रामलाल कंवर, अमित देशमुख और छबीलाल खरसे सहित 11 परिवारों के सदस्यों ने 23 लोगों के खिलाफ मामले की नामजद शिकायत 27 अप्रैल 2020 को जिला कलेक्टर और एसडीएम से की है, जिस पर कार्रवाई का लंबा इंतजार अब तक जारी है। डीएनएक्स टीवी के लिए डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।